16 अगस्त की शाम 7:53 पर सूर्यदेव अपने ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्यदेव के प्रवेश करने से सिंह राशि में त्रिग्रही योग बनेगा। सूर्यदेव के अपने ही सिंह राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की बहुत सी राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो वहीं कुछ राशि पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। सिंह राशि में बन रहे त्रिग्रही योग के कारण बुध की राशि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें कुछ विशेष उपाय करने होंगे। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित शशांक शेखर शर्मा ने लोकल 18 को क्या कुछ कहा है, सुनिए। सिंह राशि पर त्रिग्रह योग का अर्थ है कि तीन ग्रह आ रहे हैं और 16 तारीख से आ रहे हैं। 16 तारीख को सूर्य सिंह राशि पर आ जाएंगे और वो एक महीने के लिए रहेंगे, लेकिन पहले से ही शुक्र बुध उस राशि पर हैं। तो तीन ग्रह से यहाँ पर एक तो बुध आदित्य योग बन जाता है सूर्य और बुध से, दूसरा शुक्र और बुध से लक्ष्मी योग या राजलक्ष्मी योग भी इसको कहते हैं, ये बनता है। देखिए क्या है कि कन्या राशि से ये द्वादश है और कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं जो वहाँ पर बैठे हैं, तो कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा समय अच्छा नहीं है, या ये कह सकते हैं कन्या राशि वालों के लिए इस समय जो पैसा खर्च होगा वो अनावश्यक रूप से होगा, पैसा बहुत खर्च होगा। इसको अगर थोड़ा सा ये पॉजिटिव लेंगे कन्या राशि वाले, तो ये कह सकते हैं इनके घर में कोई कार्यक्रम है, तो वहाँ कुछ जो पैसा इन्होंने बजट बनाया हुआ है उससे एक्स्ट्रा पैसा इनका लगेगा, या इनको कोई ना कोई कीमती चीज़, कोई ना कोई इनका जो एक्सपेंसिव एसेट्स होते हैं उसमें लॉस के योग भी हैं। फ़ोन खो सकता है इनका, कोई इनका कीमती सामान खो सकता है, तो कन्या राशि वालों के लिए अशुभ है। और घर में किसी के व्यक्ति के बड़े बुज़ुर्ग जो हो, विशेष रूप से महिला, किसी बड़ी बुज़ुर्ग महिला के वजह से इनका जो मेडिकल में खर्चे होने का योग है कन्या राशि वालों को। कन्या राशि वालों का स्वामी बुध बनता है और बुध का आधिपत्य यहाँ पर है, तो बुध के लिए ये उपाय कर सकते हैं। बुधवार को भगवान गणेश जी को कोई भी मीठा भोग लगाएं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ ये कर सकते हैं, साथ में पक्षियों को पानी दें। जो पक्षी जिस तरह का फूड खाते हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, जिस तरह का फूड जो पक्षी खाना चाहते हैं वो उनको खिलाएं। तो कन्या राशि वालों के लिए पक्षियों को भोजन देना, पानी देना और भगवान गणेश की स्तुति करना सबसे लाभदायक है। क्योंकि 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे और शुक्र बुध रहेंगे, तो 16 तारीख से 21 अगस्त तक ये लगभग 5 से 6 दिन ये त्रिग्रही योग रहेगा।